और आज उस आंदोलन को एक साल दो महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी भी चल रहा है और लगातार अरेस्टिंग्स हो रही हैं। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, एक जने को रास्ते में गोली मार दी गई क्योंकि वो प्रोटेस्ट पे जा रहा था। 17 मई 2021 को सीधा आदिवासियों के मार्च के ऊपर, जो सीआरपीएफ कैंप के खिलाफ था, जो रातों रात उनकी जमीन के ऊपर बनाया गया था, उसके खिलाफ मार्च किया तो सीआरपीएफ कैंप ने सीधा गोली चलाई उनके ऊपर, फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई मौके पे ही। लेकिन आज तक मीडिया के अंदर ज़्यादा कवरेज नहीं है, वहाँ पे मीडिया को जाने नहीं दिया जाता है। तो अभी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अरेस्टिंग चल रही है, यूएपीए लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर। जिस दिन एक साजिशपूर्ण तरीका से वहाँ पे घटना को अंजाम देते हैं और पूरा इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है कि हमको पूर्ण मदद करे, और वहाँ जो आदिवासियों के साथ जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, वहाँ सामूहिक नरसंहार हो रहा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, उनको तत्काल रोकने में हमारी मदद करे। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में जब आंदोलन होते हैं तो मीडिया में दिखाई देता है, लेकिन आदिवासियों का आंदोलन आपको नहीं दिखता है। उसी को लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई है। हमारे साथ है राजवीर कौर, जो जिन्होंने दौरा किया है और वहाँ के हालातों को अच्छे से देखा है। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके के हालात है और वो आंदोलन जो है कहाँ तक पहुँचा है। आप बताइए, वहाँ पर आप देख के आइए, ग्राउंड से आपने क्या देखा और किस तरीके के हालात? देखिए, वहाँ पे जो सिलगिर के अंदर, जो छत्तीसगढ़ के अंदर सुकमा जिले के अंदर पड़ता है, बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पे है वो, और वहाँ पे जो आंदोलन है मई 2021 से चल रहा है और आज उस आंदोलन को एक साल दो महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी भी चल रहा है और लगातार अरेस्टिंग्स हो रही हैं। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, एक जने को रास्ते में गोली मार दी गई क्योंकि वो प्रोटेस्ट पे जा रहा था। मतलब इस तरह से बहुत सारी घटनाएं, लेकिन एक जो मेन, जो जिसपे बहुत सारा मीडिया ने कवर भी किया, 17 मई 2021 को सीधा आदिवासियों के मार्च के ऊपर, जो सीआरपीएफ कैंप के खिलाफ था, जो रातों रात उनकी ज़मीन के ऊपर बनाया गया था, उसके खिलाफ मार्च किया तो सीआरपीएफ ने सीधा गोली चलाई उनके ऊपर, फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई मौके पे ही और 2 लोगों की उसके बाद मौत हुई, तो 5 लोग शहीद हुए उसके अंदर। लेकिन आज तक मीडिया के अंदर ज़्यादा कवरेज नहीं है, वहाँ पे मीडिया को जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो ऐसा जोन है, बोलते हैं कि ये बहुत, मतलब ये बहुत सेंसिटिव जोन है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। जबकि हम लोग जब गए थे तो हम लोग को बीजापुर से 11 किलोमीटर आगे जो चिन्ना कोडेपाल एक सीआरपीएफ कैंप है, बहुत बड़ा कैंप है वो, बहुत बड़ा, मतलब लेवल पे डिप्लॉय किया गया वहाँ पे सीआरपीएफ कैंप को, वहीं पे ही हम लोग को रोक लिया गया कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। लेकिन हम लोग शाम तक बहुत सारा प्रेशर के बाद, मीडिया का प्रेशर के बाद, डेमोक्रेटिक राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं उनके प्रेशर के बाद शाम को जाने दिया गया। तो अभी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अरेस्टिंग चल रही है, यूएपीए लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर। तो अभी हाल ही में, मतलब जो इस 3 लोगों का मौत के बाद भी ये जारी है, तो अभी वहाँ से ज़्यादा जो है वो हमारे साथ सुरज्योति कम्बी है, तो उनसे और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वो इस आंदोलन को, इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। सुरज्योति कम्बी, बताइए, आपकी जो लड़ाई है मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाते हैं क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया दिल्ली में अगर आंदोलन होता है तो दिखा देता है, लेकिन आपका चूँकि छत्तीसगढ़ के बस्तर में है या सिलगेर में है, वहाँ से खबरें निकल नहीं पाती है, इसको कैसे देखते हैं या इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इतनी दूर होने पे आपके साथ कुछ भी हो जाता है, खबरें तक नहीं बनती हैं। जैसा अभी जो एक कोर्ट का फैसला आया कि 16 आदिवासियों को जो है उनका नरसंहार कर दिया जाता है, और कोर्ट इस चीज़ को मानने से ही मना कर देता है। नहीं, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही बात है। क्या है, मैं किसान आंदोलन के गणतंत्र परेड में गया था 26 तारीख को। जिस दिन एक साजिशपूर्ण तरीका से वहाँ पे घटना को अंजाम देते हैं और पूरा इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, वैसे बस्तर में वहाँ टोटली मोबाइल नहीं चलते, कोई कुछ नहीं चलते। वहाँ अगर कोई पत्रकार पहुँच भी गए तो उनको छपने में या फिर मीडिया में आने के लिए महीनों लग जाता है। तब तक उधर वो जो न्याय की मांग करने वाला व्यक्ति है उसको और नक्सली बोल के गोली मार देंगे, ये स्थिति बनी हुई वहाँ। अच्छा, अभी रिपोर्ट में बताया गया कि वहाँ पर जो कैंप बन रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, तो उसको कैसे देखते हैं? अगर वो कैंप बनते हैं
जैसे कहा जाता कि सड़क बनेगी, बिजली बनेगी, विकास होगा, तो आदिवासियों के लिए फायदेमंद रहेगा, इसको कैसे देखें? नहीं, वो तो फायदेमंद तब होगी जब वहाँ के लोग किसी चीज़ की मांग करेंगे। मैं उस गांव में सिलगेर में गया, वहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, जबकि वो 1000 आबादी वाला गांव है, वो जंगल में बसा हुआ, वहाँ एक स्कूल तक नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और सिर्फ एक टूटा हुआ बोरिंग था जहाँ पे 1000 के आबादी वाले लोग पानी पीते हैं, और वहाँ आंदोलन में जुटे हुए लोग भी जो हजारों की संख्या में रहते हैं, वो लोग भी एक उससे पीते हैं पानी, बोरिंग से, टूटा हुआ बोरिंग, वो भी ढंग से नहीं है। इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से खबरें बाहर नहीं आती है, मीडिया नहीं पहुंच पाता है, या उसको दिल्ली तक लाने के लिए या हाईलाइट करने के लिए कुछ फ्यूचर प्लान है आपके पास? हाँ बिल्कुल, वही चाह रहे हैं हम लोग भी। जैसे अभी अपना हसदेव वाला जो आंदोलन है, आज नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, वैसे ही बस्तर के तमाम जो मुद्दे हैं, बस्तर में क्या है कि आदिवासी शुरू से एक शिक्षा का जो ये है, आज मतलब आज़ादी के 75 साल बाद ले दे के तो पहुंच रही है, उसके बाद लोग समझ रहे हैं मीडिया क्या है, ये पढ़ाई क्या है, अब समझ रहे हैं, तो अब हम यही चाह रहे हैं पढ़ने वाले जो युवा वर्ग जो निकल के जो आ रहे हैं, वो लोग सभी चाह रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं, और मीडिया से भी हमारा अनुरोध है कि हमको पूर्ण मदद करे, और वहाँ जो आदिवासियों के साथ जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, वहाँ सामूहिक नरसंहार हो रहा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, उनको तत्काल रोकने में हमारी मदद करे। अच्छा, इल्ज़ाम लगता आया है, जैसे सरकार की तरफ से लगता है कि ये माओइस्ट की तरफ से या उनके साथ मिलकर उनको पना देते हैं या उनकी मदद करते हैं, उसके ज़रिए जो आम लोग होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनका भी कई दफ़ा मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उनको भी माओवादी या नक्सलाइट करके खबर को चला दिया जाता है, तो इससे कैसे देखते हैं, क्या वाकई में कुछ आदिवासी या ऐसे कुछ लोग हैं जो माओवादी या इस तरीके के लोगों से मिले रहते हैं, या ये सिर्फ अफवाह है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि किसान आंदोलन जैसे पंजाब से शुरू होता है तो पूरा खालिस्तानी आंदोलन बताया जाता है, और उसको क्या किए हैं अभी बस्तर में जो भी आंदोलन हुआ, तो आदिवासी, मैं सरकार से या मीडिया से भी एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ये तो नक्सलवाद वहाँ पे 1983 में आया है, बस्तर में 1983 में आया है, और इसके पहले जो भूमकाल विद्रोह 1910 में लड़े, उसके पहले भी 1774 में वहाँ के आदिवासी लोग अंग्रेजों के साथ लड़े हैं, उस समय किसके ने मतलब कौन उनको सिखाया लड़ना, वो तो शुरू से जानते हैं जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अब एक नया मॉडल ला के उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, वो तो कई बार हमको ही बोल देते हैं, हमको भी जाने के लिए अनुमति नहीं देते, ऐसा स्थिति है वहाँ पे। अभी 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 आखिरी सवाल, जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, जो 45,000 बताए जा रहे हैं कि आदिवासी मार्च किया था उन्होंने, तो वो संख्या क्या दिल्ली की तरफ आएगी ताकि मामला हाईलाइट हो, खबर चले, सरकार को पता चले? नहीं, चाहते तो वही हैं हम भी कि आंदोलन सरकार तक पहुँचे, ये सरकार तक आए उतना जनता, और अपनी समस्या रखेंगे, हम दिल्ली आने के लिए भी तैयार हैं, सवाल ये है कि वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता, इसीलिए तो ना तो हम सरकार तक अपनी बात रखने जा सकते हैं, ना हम आंदोलन कर सकते हैं, ये स्थिति बना के रख दिया पूरा, मतलब एक एक किलोमीटर में कैंप, हर समय हर दिन, मतलब वो जो सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं, मतलब CRPF और अर्धसैनिक बल से कहीं ना कहीं तो झुमा झटकी और बहस का दौर चलते रहता है, खेती कारण जाओ खेत में निकलो तो भी उनसे बहस करना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। तो देखिए, ऐसे हालात हैं, सुरजू टिकम जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 100 200 300 मीटर पर भी कैंप बने हुए हैं, आप सोचिए कि जो भय का माहौल होगा, किस तरीके से जो आदिवासी हैं वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे, क्योंकि 100 200 किलोमीटर 500 फौजियों का कैंप या CRPF के जवानों का कैंप होना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आदिवासियों का एक अपना अलग कल्चर रहा है, उनकी एक अपनी अलग लाइफ रही है, ट्रेडिशनल रहा है, लेकिन पूंजीवादियों को ज़मीनें कब्जाने के जरिए किस तरीके से इनके कल्चर को, इनकी ज़मीनों को कब्जाया जाता है। तो सुरजू टिकम थे जो बता रहे थे कि वहाँ से कैसे हालात हैं, अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम में यही रिपोर्ट पेश की गई है कि वहाँ पर कैसे हालात है, जो कैंप वाला एंटी कैंप मूवमेंट ये लोग चला रहे हैं वो इनकी रिपोर्ट में आपको मिलेगा। तो इस वक्त है प्रेस क्लब में कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ, जनहित, दिल्ली।